रालोद अध्यक्ष जयंत चौधरी और सुभाषपा वाले राजभर चाचा अब बीजेपी के साथ आत हो गए, लेकिन सवाल यह है कि आखिर इनको कितनी सीटें मिलेंगी। जहां राजभर का मंत्री बनना अब तक तय नहीं हो पा रहा है, तो वहीं अब भाजपा की तरफ से भी मिलने वाली सीटों पर तलवार लटकती हुई नजर आ रही है। लेकिन जयंत राजभर के साथ संजय निषाद और अनुप्रिया को कितनी सीटें मिल रही हैं, ये हम आपको बताएंगे। नमस्कार, मैं हूं उपासना और आप देख रहे हैं यूपी तक। लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी की तरफ से सीट बंटवारे को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि यूपी में बीजेपी एनडीए में अपने सहयोगी दलों के लिए 6 सीटें छोड़ सकती है। बात की जाए संख्या की तो आरएलडी और अपना दल के लिए बीजेपी 2-2 सीटें छोड़ रही है, तो वहीं निषाद पार्टी और सुभाषपा के लिए 1 सीट भाजपा छोड़ने वाली है। बीजेपी जयंत चौधरी को बिजनौर और बागपत की सीट दे सकती है, तो वहीं अपना दल एस को मिर्जापुर और रॉबर्ट्सगंज की सीट दी जा सकती है। वहीं बात करें ओम प्रकाश राजभर की पार्टी सुभाषपा की, तो सुभाषपा को घोसी की सीट मिलने की बात सामने आ रही है। वहीं निषाद पार्टी को संत कबीर नगर की सीट बीजेपी दे सकती है। साथ ही खबर है कि बीजेपी और जयंत चौधरी की पार्टी आरएलडी के गठबंधन का औपचारिक ऐलान भी जल्द ही हो सकता है। बता दें कि बीजेपी में इस वक्त लोकसभा चुनाव की तैयारी को लेकर महामंथन का दौर जारी है। ऐसे में कई वरिष्ठ पदाधिकारियों के साथ हाई लेवल मीटिंग्स भी बीजेपी कर रही है। बीजेपी देश भर में अपने सहयोगी दलों के साथ 400 प्लस के टारगेट के साथ ये चुनाव लड़ रही है। ऐसे में यूपी की 80 लोकसभा सीटों में से 6 सीट सहयोगी दलों को देना बीजेपी का एक बड़ा कदम माना जा सकता है। इसके साथ ही सूत्रों के हवाले से खबर ये भी है कि बीजेपी यूपी में जल्द ही कैबिनेट विस्तार भी कर सकती है। ओपी राजभर के साथ ही आरएलडी के कोटे से भी किसी को मंत्री पद दिया जा सकता है। राज्यसभा चुनाव में सहयोगी दलों के साथ से ही बीजेपी ने जीत हासिल की है। इसी फॉर्मूले को अपनाते हुए अब बीजेपी लोकसभा चुनाव में भी अपने सहयोगी दलों के साथ हर नाराजगी को दूर करते हुए आगे बढ़ने वाली है। ऐसे में यूपी में बीजेपी का ये कदम लोकसभा चुनाव में कितना फायदा पहुंचा पाता है, ये देखने वाली बात होगी। ये खबर हमें भेजी है हिमांशु मिश्रा ने। यूपी की सियासत से जुड़ी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए यूपी तक।